ऐसे दिखा के एक्सपोज करके, मेरे पास कम है एक्सपोज करने के लिए। चैनल वांट्स अ टीआरपी, बिग बॉस 14 वांट्स अ टीआरपी के लिए उनकी डू और डाई सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के समय में आपसे जब भी बात की जाए और बिग बॉस की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो पहले आपसे जानना चाहूंगी आप कितना फॉलो कर रहे हो और क्या कुछ इस समय चल रहा है बिग बॉस में, कितनी नजरें हैं आपकी? मैं काफी अच्छी तरह फॉलो कर रही हूँ, काफी फोकस मेरा पूरा बिग बॉस 14 पे अभी, क्योंकि क्या हुआ है स्नेहिल, द प्रॉब्लम इज दिस, आई वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस 1 जो फर्स्ट वीक में एविक्ट हो गई थी। मेरा चांस जी सबसे पहले बनता है, मेरा हक बनता है वो, मेरे हक पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। विकास ने, विकास गुप्ता ने बुढ़ी कश्मीरा को घुसा दिया, राखी को घुसा दिया, राहुल महाजन मनु पंजाबी को ले गए, मुझे छोड़ गया। माय गॉड, क्या वो लोग मुझसे बड़े हैं? मैंने इतना काम किया है, इतना फिल्मों में काम किया है, आई हैव डन ऑलमोस्ट 70 फिल्म्स हिंदी तमिल और रीजनल लैंग्वेज में, और इतना जी काम मैंने किया है, इतने सीरियल्स, इतनी फिल्म्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है। मनु पंजाबी को लेके आया वो, ये सारी मोनोपोली रची है विकास गुप्ता ने, जो एक बोलते हैं ध्रुत शकुनी है, शकुनी मामा उसको घोड़ा बोल रहे हैं लोग, मैं बोलती हूँ शकुनी मामा है, बहुत ही तेज है। ये से किंकी माइंड है उसका, पता नहीं कब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपसे बात कुछ और कर रहा होगा, आप उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। मैं डेफिनेटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि डिप्रेस हूँ कि विकास गुप्ता ने मेरे पेट पे लात मारी है, ले गया बुढ़ी कश्मीरा को, ले गया उस प्लास्टिक क्वीन को, राखी सावंत, मनु पंजाबी, माय गॉड, मेरे से इतना जूनियर, कौन जानता है उसको? अगर वो इतना फेमस होता तो आज उसके पास कोई फिल्म होती, कोई सीरियल होता, कोई और रियलिटी शो होता। सिर्फ ये नेटवर्किंग का गेम है कि विकास के साथ मनु ने अच्छी नेटवर्किंग करके रखी हुई थी, तो विकास ने उसको कंसिडर कर लिया। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, रिसेंटली अर्शी ने भी ये कहा था कि काफी मतलबी है बिग बॉस के घर के बाहर भी जब वो निकली। बहुत मतलब ये विकास गुप्ता, जब उसको आपकी जरूरत होगी ना, वो ऐसे आपको उतारेगा पिक्चर के अंदर, वो डेफिनेटली आपसे काम निकाल लेगा। उसे किया है मेरे साथ एक दो बार, चलो कोई बात नहीं, किसी के किस्मत तो नहीं रिझा सकते ना, देखती हो अभी कितने क्या उखाड़ लेते हैं बिग बॉस 14 में जाके, विकास गुप्ता, अर्शी खान, प्लास्टिक, राखी सावंत और मनु पंजाबी जूनियर, वो लोग देखती हो क्या उखाड़ लेते। मैं आपको अभी बता रही हूँ, अर्शी खान या राखी या फिर इसके अंदर राहुल राहुल महाजन, इन तीनों में से सबसे पहले एक विकेट गिरेगा, पुरानों में से एक विकेट पहले जाएगा, देख लेना आप, माइंड मार्क माई वर्ड्स, इनके इनमें से कोई विकेट सबसे पहले गिरेगा। बस बिकॉज द थिंग इज दिस, क्या हुआ है, इन्होंने पुराने लोगों को बुला लिया है, लेकिन ऑलरेडी जो 9 हफ्ते लोग उनको देख चुके हैं, राहुल वैद्य को और जी, उसको और दूसरे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, वो भी आप कंबोली निकल गए। वगैरह, उन लोगों को देख चुके हैं, तो लोग यूज्ड हो गए हैं। पहले आपने बिछाई शतरंज की कोई और चाल, अब आप बीच में ले आए इनको, पुराने लोगों को, एक्स कंटेस्टेंट को, तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा है, लोग बहुत मायूस हो गए। राहुल वैद्य के साथ काफी लोग ना अटैच थे इमोशनली और मेंटली, उसके साथ काफी अटैच थे, मुझे भी काफी दुख हुआ जो उसने किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको इस लड़ाई को पूरे अंजाम तक लेकर जाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना अच्छा, चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब राहुल वैद्य की एग्जिट हुई तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने कुछ बोला हाँ, नहीं, ना सलमान खान ने कुछ बोला, तो ये आपको क्या लगता है, ये वाकई में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हुई होगी या फिर वाकई में उन्हें कम वोट्स मिले होंगे, क्योंकि फैंस जो है वो कॉन्स्टेंटली चाह रहे हैं कि राहुल वैद्य दिखाई दें, उनका जो इविक्शन हुआ वो गलत तरीके से हुआ, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मुझे लगता है ऐसा स्नेहिल, आई विल टेल यू कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि टीआरपी की टीआरपी नहीं मिल रहा बिग बॉस को, इनको लग रहा है ये भी ट्राई कर लें, ये भी ट्राई कर लें,
इनको पुरानों को भी बेच के ट्राई करने, क्योंकि उसके सिर्फ टीआरपी चाहिए, टीआरपी का गेम है। जब रूबीना को, रूबीना के हस्बैंड को सामान बोला था सलमान खान ने, उसे बोला मैं निकल रही हूँ, आई वॉन्ट टू क्विट, आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम बिग बॉस 14, उसको सलमान ने समझाया, उसको चांस दिया, एक बार आप सोच लो, एक दो दिन सोच लो, तो राहुल वैद्य के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, राहुल वैद्य के साथ इतनी इनजस्टिस क्यों की, क्यों नहीं उसको मनाया गया, क्यों नहीं उसको चांस दिया गया, तुम एक या दो दिन सोच लो, उसको क्यों बोल दिया गया एविक्ट हो जाओ। सलमान भाई दिस इज रियली बायस, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मुझे पता है कि आपके हाथ पे भी कुछ चीजें नहीं होती, चैनल वाले ही डिसाइड करते, क्रिएटिव टीम ही डिसाइड करती है, और जो डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करें सलमान भाई आपके ऊपर सूट नहीं कर लेते हो, कि राखी को राखी कहाँ बांधी, राखी ने राखी कहाँ बांधी कृष्णा को, वो बहुत ही एम्बेरेसिंग लगा, बहुत ही टुच्चा, इट वॉज ए वेरी वेरी डिग्रेड लाइन। मुझे लगता है क्रिएटिव ने अच्छे राइटर्स को रखा नहीं हुआ है, इतने गंदे आप वर्ड्स सलमान भाई से बुलवा रहे हो, इतने बड़े सुपरस्टार से आप ये बोल रहे हो कि राखी, तुमने राखी कहाँ बांधी है, यहाँ बांधी है, अमेरिका में बांधी है, चुनरी तलैया में बांधी है, फिर उन्होंने उसको पलट दिया, लेकिन बहुत चीप, इट वॉज ए वेरी चीप जोक जो सूट नहीं करता सलमान खान के ऊपर, कैसे डायलॉग बुलवा रहे हो आप उनसे, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा शो को लेकर भी जिस तरह से बात की जा रही है, काफी बज है कि काफी ज्यादा बायसनेस दिखाई जा रही है, काफी ज्यादा जब जान की भी बात की जा रही है तो कहा जा रहा था कि जान को जानबूझ के रखा जा रहा है घर के अंदर ताकि वो एक एक हफ्ता आगे बढ़ सके, वहीं अभी राहुल को लेकर भी इस तरह की बातें की जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये सब क्या प्री प्लान्ड है, और इस बार का इविक्शन भी काफी ऐसा हुआ है कि वो अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्योंकि घर वाले कब वोट कर रहे हैं कब वोट नहीं कर सकते हैं ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो आपके हिसाब से क्या है ये? जो एक कहावत है ना हिंदी में, साम दाम दंड भेद, चारों वो लोग यूज कर रहे हैं, उनको टीआरपी चाहिए, चैनल वांट्स द टीआरपी, बिग बॉस 14 वांट्स द टीआरपी, टीआरपी के लिए उनकी डू ऑर डाई सिचुएशन हो गई है ऑनेस्टली बोलिंग, और कुछ भी उसके अंदर कर रहे हैं, पुराने को भी लेके आ गए, घोड़े को भी लेकर आ गए, वो करता रहता है महाजन, उसको भी लेकर आ गए, राहुल महाजन इज अ नाइस गाय, बेसिकली पार्टी में मैं उसके साथ मिली हूँ, इट वॉज वेरी नाइस, ही केम टू मी, आस्क मी बॉबी गिव मी योर नंबर, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बॉम्बे में गिव मी कॉल, ही वॉज अ वेरी नाइस गाय दैट टाइम, लेकिन राहुल ये वो हंसा हंसा हर वक्त सूट नहीं करता, आप कितने मैच्योर हो, दो दो शादी कर चुकी हो, सॉरी टू से, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखाओ, आप जो ये कर रहे हो ना ये पुअर लोग करते हैं, अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग ऐसे बिहेव करते हैं, आपके ऊपर सूट नहीं करता, आपके पापा प्रमोद महाजन सचिन बिग पॉलिटिशियन, आप उनकी बेटी हो, उनकी एटलीस्ट जो उनकी एक उन्होंने लेवल क्रिएट किया है उसको तो मेंटेन करो यार, ये क्या कर रहे हो आप, व्हाट इज दिस राहुल महाजन, आप ये सूट नहीं करता है, ये लुक ही करते हैं लोग, फ्लॉप लोग करते हैं, साड़ी लोग करते हैं। अच्छा आपके हिसाब से क्या लगता है कि जिस तरह से घर में आप ये जो कंटेंडर्स गए हैं घर में एज अ चैलेंजर्स बन के गए हैं, तो ये क्या मतलब जो अभी तक घर में थे लोग उनके लिए एक तरह से ये उनकी जो विनिंग जो एक कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि ये जो पिछले बार के जितने भी आए हुए हैं अब ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले जितने भी कंटेंडर्स है उनको लाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये फेयर है उनके लिए जो अभी ऑलरेडी इस घर में खेल रहे हैं? ये फेयर नहीं है उनके लिए डेफिनेटली, मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, बिग बॉस के 14 के लिए कलर्स चैनल के लिए अभी डू और डाई सिचुएशन है, मरता क्या ना करता, चलो पुरानों को भी बुला लो, इनको भी ट्राई कर लो, इनको भी ट्राई कर लो, बल्कि इंटेलिजेंट माइंड ये बोलता है कि आपको जो आपने अभी किए जैसे गुरपाल को ईशांत को ये लोगों को वापस लाना चाहिए था गेम के अंदर, और यही होगा, आप देख रहे राहुल वैद्य गया है ना, वो गया नहीं है, ये विल कम बैक, अली को नहीं आएगा, अली को कम बैक, राहुल वैद्य विल कम बैक, और ये टम्बोली शी विल कम बैक, क्योंकि इनको लोग पसंद कर रहे थे, मेंटली इनके साथ कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली हम कनेक्ट हो चुके हैं, हम उनको ही देखना चाहते थे कि घोड़े को ये प्लास्टिक क्वीन को अपने आपको बोलती है मैं डांसिंग दीवा ये वो प्लास्टिक, इनको कौन देखेगा, वो बुढ़ी कश्मीरा उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज करके पोस्टर डाल दिए सारे सोशल मीडिया पे डाल दिया,
ये अच्छा लगता है क्या? अगर आप ओल्ड हो रहे हो, यू शुड ग्रो ओल्ड एलिगेंटली लाइक हेमा मालिनी जी, ऐसे दिखा के एक्सपोज करके। मेरे पास कम है एक्सपोज करने के लिए, सब नया है, फ्रेश है, यंग है, मैं यंग हूँ कश्मीरा शाह से। क्या दिखाएगी वो यार? आप मुझसे कंपटीशन करना आके, वहां पे क्या कर रही है तू? सोशल मीडिया पे आपने सारे क्लीवेज शोइंग, एक्सपोजिंग सारे, वो आपका पर्सनल है, मानती हूँ उसको, लेकिन आपने सूट नहीं करता मैडम। आप आंटी हो चुकी हो, दो बच्चे हैं आपके, अपनी इमेज का तो ख्याल रखो अपने। यू शुड ग्रो ओल्ड एलिगेंटली, ग्रो ओल्ड लाइक हेमा मालिनी, ग्रो ओल्ड लाइक नीतू सिंह। दे आर नाइस, दे आर डिवास। आज भी इनका ऑरा ऐसा है, जाकर उनसे बात करने को मन करता है। मन करता है कि नीतू जी आपके साथ कैन आई टेक ए सेल्फी, हेमा जी कैन आई टेक ए सेल्फी, विल टेक ए सेल्फी विद कश्मीरा शाह, नोबडी। क्योंकि आपने अपनी इमेज को पूरा गिरा दिया। लोग पता है कितना गंदा ट्रोल कर रहे हैं उनको बोल क्या क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा तो सोचो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। आपने इतने सालों में एक अपना अच्छा नाम बनाया है, उसको एक मैं अच्छे लेवल पे ले जाकर, अगर आपको करियर में कभी ब्रेक भी लेना है तो आप एक अच्छे लेवल पे तो लेकर जाओ उसको, जहाँ आपको डिग्निटी को तो मेंटेन करो। आप करियो, मुझे बस आना है। मैंने वेट लूज कर लिया, टीवी शो कर दिया, नया फोटो सेशन कर लिया, और उसके बाद आपको बस ये हो गया, बस मुझे करना है। मेरे अंदर वो फैक्टर है मैडम। आप छोटी हो चुकी हो, आप आंटी हो गई हो, दो छोटी छोटी आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, उनको संभालो। बच्चों को छोड़ के आपको बस बिग बॉस 14 में आना है, बॉबी के पेट पे ला करो। ये इंसानियत तो ये होती, बड़ापन ये होता है, और ह्यूमैनिटी ये होती। नहीं, बॉबी फर्स्ट वीक में गई थी, मैं बॉबी के लिए अपना चांस लीव कर ली। आई वॉन्ट टू गिव माई चांस टू बॉबी रानी, बिकॉज वो फर्स्ट वीक से निकल गई थी। मैं ये नहीं बोली आप मेरे लिए करो, आप बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जो क्या हम बिग बॉस सीजन 1 में थे, आप उनको चांस दे दो। अमित साध है, आर्यन वैद है, किसी के पास भी काम नहीं, आप उनको उनके लिए थोड़ा एक चैरिटी कर दो ना। नहीं नहीं, बॉबी डाली क्या करेगी? अरे बॉबी डाली के पास जो है वो करेगी। मैं अभी एक फीमेल बन चुकी हूँ, आई हैव डन माय सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, आई हैव चेंज माय नेम इज पाखी शर्मा नाउ। बॉबी डाली मर चुकी है, अभी आपके सामने जो इंटरव्यू दे रही है वो पाखी शर्मा है, ऑफिशियली मेरा नाम पाखी शर्मा है अभी। अब एक फीमेल नाम, मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, सब कुछ फीमेल बन चुका है। अब मेरे साथ कंपटीशन करो ना, लेकिन आप आपको बड़ापन ही होता कि आप अपना चांस सरेंडर कर देते और किसी और को ऐसा चांस देते जिनके पास काम नहीं है। मैं छोटी बोलूंगी, हाँ मेरे पास अभी काम नहीं है, एंड मुझे बुरा लग रहा है कि बिग बॉस 14 में आने का मेरा चांस जो था ये दोनों कब्जा करके बैठ गई। वो तो प्लास्टिक है, वो नबी, उसको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। मेरे लिए तो हुई ना हुई एक बराबर है। लेकिन कश्मीरा, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर माई फ्रेंड ऑल्सो इन बिग बॉस 1। हम लोग साथ में घूमे भी हैं, मिले भी हैं, मैं आपके घर पे भी आई हूँ, आपके डॉक्टर साथ भी खेली हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको एक बड़ापन ही होता। आप बोलते नहीं, बॉबी डाली का फेयर चांस था, चारी फर्स्ट वीक में अनफॉर्चुनेटली वो एडिक्ट हो गई थी, मैं अपना चांस बॉबी डाली को देती हूँ। फिर देखती आपको ऑडियंस, आपके व्यूअर्स, आपके फैंस आपको कितना प्यार करते। बोलते बड़े दिल वाली कश्मीरा, मैं बोलती बड़े दिल वाली कश्मीरा, मैं ऐसे ना बोलती उससे बुढ़ी कश्मीरा, मैं ऐसे बोलती बड़े दिल वाली कश्मीरा, वाओ कश्मीरा, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपका हक अपना शेयर मेरे को दिया, आपका चांस आपने मेरे को दिया। आपको रियलाइज हुआ आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, एक इमोशन है। चलो मेरे लिए नहीं, लेकिन एक नेचुरल इमोशन तो होता ही ना इंसान के अंदर। राहुल महाजन में वैसे मेरे पास वहाँ ऑलिव में मिलता है, और आके बोलते बॉबी डाली अपना नंबर दो, कोई काम होगा मुझे कॉल करना, मेरे को अच्छा लगा वो जेस्चर। लेकिन यहाँ पर जब आप सरेंडर करते अपना चांस था, मेरे लिए आप अपना चांस छोड़ते और बोलते नहीं बॉबी डाली को फेयर चांस मिलना चाहिए। मनु पंजाबी कौन है, कौन जानता है उसको, क्या काम किया उसने, लुखा साला, इज इट लुखा, मनु पंजाबी से लूजर। अगर वो प्रोमो में भी कि जिस तरह से आते ही वो रुपीना के ऊपर पिन पॉइंट करते जा रहे हैं, आते ही उनको पूछ रहे कि आप और आपकी वाइफ करी क्या, आप और अभिनव करी क्या रहे हैं घर में, तो ये आपको क्या लगता है? अभिनव इज वेरी क्यूट का है, लेकिन जो रुबीना है, रुबीना को पता है ये लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रुबीना की जो बहुत फैन फॉलोइंग है शक्ति के बाद, शी इज अमेजिंग फैन फॉलोइंग, लोग पागल हो रहे हैं, मेंटली जुड़ चुके हैं, ट्रेंड हो रही है वो ट्विटर के ऊपर,
सब लोग रुबीना को फेवर करें, सब लोग रुबीना के लिए वोट करें, सब लोग रुबीना को देखना चाहते हैं, इमोशनली अटैच है रुबीना से, उनको पता है कि जो हुक्म का इक्का है वो रुबीना है, अगर उसके साथ हम पंगे लेंगे, उसके ऊपर पिन पॉइंट करेंगे, उसके ऊपर कटाक्ष करेंगे, टॉन्टी करेंगे, तो सारी लाइमलाइट हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि रुबीना इमीडिएटली रिएक्ट करती है। रुबीना को तुमने जैसे उंगली लगाई, बॉबी डार्लिंग क्यों मेरे ऊपर उंगली लगा रही है, इसे बॉबी डार्लिंग लाइमलाइट में आएगी। तो यही पन्नू पंजाबी का, राखी का, अर्शी खान जो खाला आपा बोल रही है रुबीना को, ऐसी क्या हुआ भोपाल में? मेरा तो ससुराल है भोपाल, मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, भोपाल के लोगों को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। आई नो अक्षी खान आप कितने पानी में, क्या इमेज है आपका वहाँ पे भोपाल में, आई नो कम्प्लीटली, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट, हर हर इंसान का अपना पर्सनल एक एस्पेक्ट होता है, एक इमेज होती है, लेकिन आपका भोपाल में क्या है आपा, मैं जानती हूँ आपा, अर्शी आपा मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, भोपाल के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, क्या आपका इमेज है वहाँ पे, सब जान चुकी हूँ। लेकिन ये लोग सब टारगेट कर रहे रुबीना को, क्योंकि रुबीना को टारगेट आप करोगे तो रुबीना फट से रिएक्ट करती है, वो एक वो बन चुकी होते हैं, शी हैज बिकम ए वैम्प। आपने उस तरह से उंगली करी, रुबीना को कुछ बोल दिया, उसके हस्बैंड को कुछ बोल दिया, ट्रिगर किया जरा सा भी, तो इमिजिएटली फट से रिएक्ट करती है, इनको वही चाहिए क्योंकि सारे कैमरा आपके ऊपर आएंगे, आपको सारी लाइमलाइट मिलेगी। अगर यही करना है आपको तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, हम जान चुके हैं कश्मीरा तो है ही ऐसी, दिल्ली फेंको आग लग जाए और उसके बाद वो यही बोल के ओ माय गॉड कैसे हो क्या, आउच मैंने नहीं किया ये, ओ माय गॉड मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आई एम वेरी डिसेंट एंड हम्बल गर्ल, आई एम वेरी बिग हार्ट, मैडम आपका बिग हार्ट सबने देख चुके हैं बिग बॉस 1 में, आपने क्या किया बिग बॉस 13 में जब आरती के टाइम में आप आई, आपने झगड़ा किया विकास से क्योंकि विकास गुप्ता उस टाइम पूरी लाइमलाइट ले चुका था, अगर विकास के साथ आप झगड़ा करेंगी सारे कैमरे टर्न होंगे, ओ माय गॉड कश्मीरा को माइलेज मिल गई बिकॉज ऑफ विकास गुप्ता, अभी भी ये लोग कुछ आज कुछ गड़बड़ करी है इन्होंने, उसमें दिखाया कि विकास गुप्ता और कश्मीरा ये ऑलरेडी प्लान करके गए हैं, मैं तेरे को ट्रिगर करूंगी और तू रिएक्ट करना, इससे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगी, इससे लाइमलाइट मिलेगी, जब आपने ट्रम्प कार्ड खेला वो बहुत ही डेंजरस अपना सीक्रेट बताया उसके बाद भी इसको ये बैकफायर करेगा, अभी जहाज अंदर खुश हो रहा है कि डू एंड डाई सिचुएशन थी कि क्या आपने अपना डार्क सीक्रेट रिवील कर दिया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने डार्क सीक्रेट अपना रिवील किया कि बचपन में मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ, बाहर दुनिया आपको छोड़ेगी, क्यों क्या हुआ था मोलेस्टेशन में, क्या किया था उन अंकल ने, लोग छोड़ेंगे उसको, उसके घर वाले सबसे पहले अटैक करेंगे, उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसके नेबर उसकी मॉम के ऊपर भी अटैक होगा क्योंकि मॉम उसकी छोड़ के चली गई थी उसको बचपन में, चीचा चीचा बोल के क्या होगा, चीचा चीचा आप बेकार हो चुके आप चूचा हो चुके, चीचा आप चूचा हो चूचा चूचा बन चुके हो आप, वो चूचा था ना वरुण शर्मा फिल्म के अंदर वो बन चुके हो आप, चीचा आप चूचा बन गए हो, बाहर निकलो और फिर देखो जनता आपको क्या सिखाती है, विचार से गेम खेला, टास्क भी किया, बहुत कुछ माइलेज भी दिया, बिग बॉस 14 को टीआरपी भी दिया, अपने झगड़ों से कविता के साथ जो झगड़े हुए इसके उससे डेफिनेटली टीआरपी हाई हुई है, ये तो मैं मानती हूँ, कभी इनको क्या करना चाहिए था, इनको जिनको निकाला है कविता कौशिक गोरपाल ये शान शान ये शानु कुमार क्या नाम है इनका सॉरी कुमार शानु जान कुमार इनको लेकर आना चाहिए था क्योंकि इनके आने से निक्की तंबोली आई वॉन्ट टू वॉच निक्की तंबोली मोर उसका जो कॉमेडी था जब उससे बोला इजाज बर्तन माजो गिस 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 तू गिस गिस बर्तन गिस बर्तन गिस आई लव हर शी इज सो नाइस शी इज नाइस कॉमेडियन है ठीक है मूवफट है लेकिन किसको लैमिनेट नहीं चाहिए अर्शी क्या क्या करने गई है अंदर राखी सावंत क्या करने गई है अंदर
तो निकी तंबोली पार्ट थ्री है, पार्ट वन राखी सावंत, पार्ट टू अर्शी खान, लेकिन अर्शी खान जो है वो बेटर वर्जन है राखी सावंत का, शी इज द बेटर वर्जन ऑफ राखी सावंत। अगर मुझे चूज करने को मिले राखी सावंत और अर्शी खान में, तो मैं डेफिनेटली अर्शी खान को अपना फ्रेंड।